वेलकम टू फूडी चैनल। आज मैं फिर हाजिर हूँ अपनी नई रेसिपी के साथ में। आज हम बनाएंगे पिंडी छोले और साथ ही में बनाएंगे पनीर स्टफ़ वाले भटूरे, जो बहुत ही डिलीशियस लगते हैं, बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो चले सीखते हैं ये किस तरह से बनाए जाते हैं। छोले बनाने के लिए ऑब्वियसली जो है सफ़ेद चने ही लगते हैं। तो मैंने 1 कप जो है चने लिए थे, जिसे मैंने अच्छे से धोकर जो है उसमें 1 टीस्पून जो है खाने का सोडा ऐड कर दिया था और भीगने के लिए 7 से 8 घंटों के लिए छोड़ दिया था। जब ये फूल गए तब इसे मैंने कुकर में निकाल लिया। और अब जो है मैं पिंडी छोले जो जिनका रंग जो है ना ब्लैक सा होता है, तो उसके लिए जो है 1 टीस्पून मैंने चाय पत्ती के लिए लिए और इसे अच्छे से कपड़े में बांध कर इसमें ऐड कर दूँगी। और खाने का सोडा जो है मैंने भीगते वक्त ही ऐड कर दिया था, वरना आप अगर आपने ऐड ना किया हो तो आप जब बॉईल करने के लिए रखें ना तब भी ऐड कर सकते हो। तो अब जो है इसमें मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया और 1 जो है मैं ब्लैक इलायची जो है वो लूँगी, ब्लैक कार्डमम, और 2 से 3 पीस जो है मैंने दालचीनी के लिए और 2 पीस जो है मैंने तेज़पात के लिए। अब इसे सिर्फ मैंने जो है 3 ही सीटी लगाए थे, तो 3 सीटी में ये परफेक्ट बॉईल हो जाता है चना, ज़्यादा ना लगाए वरना बहुत ही मैशी हो जाता है। तो साथ ही में जो है मैंने भटूरे का बनाने के लिए आटा लिया, ये मैदा है 2 कप और 1/2 कप जो है मैंने सूजी ली है और 4 से 5 जो है टेबल स्पून भरकर मैंने दही लिया था, ये ज़्यादा खट्टा दही नहीं था। और इसमें जो है मैंने नमक और खाने वाला सोडा है जो 1/2 टीस्पून ऐड कर दिया। अब इसे जो है मैं अच्छे तरीके से गूंद लूँगी। इसे ज़्यादा टाइट नहीं गूंदना, सॉफ्ट ही रखना है। तो जब ये मल कर हो जाएगा ना, तो फिर इसे मैं जो है वेट कपड़ा, हल्का सा गीला कपड़ा जो है इस पर झाँक करके 1 घंटे के लिए, तकरीबन 1 घंटे के लिए तो छोड़ ही देना है रेस्ट के लिए। तो भी तभी जो है ये हमारा आटा अच्छे से फूल कर आएगा और जो भटूरे हैं बहुत ही सॉफ्ट से बनेंगे। अब जो है हमारा भटूरे का आटा जो है तकरीबन अच्छे से मलकर हो चुका है गूंदकर, तो इसे जो है मैं थोड़ा सा ऑयल लगा करके अब इस पर थोड़ा सा वेट जो कपड़ा है ना झाँक करके 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी। अगर 1 घंटे से ज़्यादा भी हो तो भी चलेगा, लेकिन 1 घंटा परफेक्टली आपको देना ही है, तभी जो है हमारा आटा जो है अच्छे तरीके से फूल कर आएगा। और आप साथ ही में देख सकते हो कि हमारे चने भी बॉयल हो चुके हैं परफेक्ट तरीके से, जैसे हमें चाहिए थे। अब इसके मसाले के लिए जो है मैंने 3 टमाटर लिए हुए और कुछ क्लोव्स और जिंजर और साथ ही में जो है कसूरी मेथी ली हुई है। अब इन सबको जो है मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी, फाइन पेस्ट करना है हमें अच्छे से। आप चाहो तो इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हो अगर आपको पसंद हो तो, मैं नहीं ऐड करती हूँ, मैं फ्राई करते वक्त जो है प्याज इस्तेमाल करती हूँ, पेस्ट में ऐड नहीं करती हूँ प्याज। तो ये ऑयल लिया हुआ है मैंने, अब हम जो है छोले बनाने के लिए इसकी जो प्रिपरेशन है वो करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैंने पैन में ऑयल लिया, फिर इसमें जो है मैंने 1/2 पिंच जो है मैंने इसमें हींग ऐड कर दिया, फिर 1/2 टीस्पून जो है मैंने इसमें ज़ीरा भी ऐड कर दिया। जब ये पक जाए कि मीन्स जैसे ज़ीरा जो है तड़कने लगे ना, तब इसमें जो है हम प्याज ऐड कर देंगे। अब जो है हमारा ज़ीरा अच्छे से तड़क चुका था, तब फिर जो है मैं इसमें प्याज अच्छी फाइनली चॉप्ड जो प्याज है वो ऐड कर दूंगी। वो ये जो प्याज है मैंने तकरीबन 2 बड़ी साइज़ के प्याज लिए हुए थे, अच्छी फाइनली चॉप्ड करना है, नहीं तो फिर आप चॉपर में भी इसे चला सकते हो। और प्याज जो है जल्दी से ब्राउन हो जाए इसलिए जो इसकी छोटी सी टिप है जो इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दे, तो ये जो आपकी अनियन है ना बहुत ही जल्दी सॉफ्ट भी हो जाती है और ब्राउन भी हो जाती है। तो इसे अच्छे से ब्राउन करना है जब तक कि इसका जो रंग है बदल ना जाए। ये बहुत ही अच्छे से ब्राउन हो चुकी है, तो अब इसमें जो हमने टमाटर और अदरक लहसुन और कसूरी मेथी का पेस्ट बनाया था ना वो ऐड कर देंगे। और इसमें मसालों को बहुत अच्छी तरीके से भूनना होता है कि जब तक ये जो मसाला है ये अब इसका जो पानी है ना वो सूख ना जाए और ये ग्रैन्यूल तरीके से
हो ना जाए ना, तब तक इसे बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। इसका कच्चापन भी चला जाएगा और मसाले भूनने से ही इसमें असल जायका आता है पिंडी छोले में। तो आप देखोगे कि मैं किस तरीके से भूनूंगी कि ये पूरे तरीके से ड्राई हो जाएगा। फिर इसमें जो है हम ड्राई मसाले भी ऐड कर देंगे। आप कोई भी चीज़ बनाओ ना, ग्रेवी वगैरह, जब तक आप मसाला अच्छे तरीके से नहीं भूनोगे ना, तब तक उसमें असल जायका आता ही नहीं है। तो हमेशा याद रखिए कि आप मसालों को बहुत अच्छे तरीके से भून लिया करें। तो साथ ही में जो ड्राई मसाले हम इसमें ऐड करने वाले हैं वो ये है, मैंने लाल मिर्च पाउडर ली है, आमचूर पाउडर 1 टीस्पून, और ये चना मसाला है छोले मसाला जिसे मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया हुआ है, और हल्दी है टर्मरिक 1/2 टीस्पून, और ये धनिया पाउडर था 2 टेबल स्पून, और साथ ही में जो है ये अनारदाना है जिसे मैंने कूट कर लिया हुआ है, क्रश किया हुआ है। तो इन सारे मसालों को जो है हम ऐड कर देंगे। छोले मसाला जो है मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, आप कौन सी भी ब्रांड का ले सकते हो, या फिर छोले मसाला जो है आगे इंशाल्लाह मैं आपको उसकी रेसिपी भी बता दूँगी कि ये किस तरह से बनाया जाता है, लेकिन मैंने मार्केट वाला ही इस्तेमाल किया हुआ था। तो इसे हम अच्छे से भून लेंगे इन ड्राई मसालों को भी, फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर और भून लेंगे। इसकी जो भुनाई है ना बहुत मेन होती है, तभी जाकर जो हमारे छोले ना परफेक्ट तरीके से पिंडी छोले बनते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए ना आप मसालों को अच्छे से भून लें ताकि इसका कच्चापन भी चला जाए हल्दी वगैरह का। तीन से चार मिनट भूनने के बाद जो है मैंने इसे झाँककर पकने के लिए छोड़ दिया था 3 से 4 मिनट के लिए बस, वो भी मीडियम फ्लेम पर पकाया था मैंने। फुल फ्लेम पर नहीं पकाना वरना मसाले जो है भुनने के बजाय ना जल जाएंगे। अब ये मसाला जो है मेरा परफेक्ट तरीके से भुन चुका था, तो फिर अब इसमें जो है मैंने चने ऐड कर दिए। आप देख सकते हो कि ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से गले हुए हैं। इसे ज़्यादा सीटी ना ले वरना बहुत ही मैशी हो जाते हैं, वो सारा स्किन छोड़ देता है चना, और बहुत ही वो मैशी हो जाते हैं क्योंकि इसमें जो खाना का सोडा होता है ना वो बहुत ही जल्दी चनों को या फिर जो कोई भी चीज़ हो बहुत ही जल्दी गला देता है, वो पका देता है। तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि छोले जो है 3 सीटी से ज़्यादा ना ले अगर आप सोडा डालकर भिगोने के लिए रखते हो तो। और वो सोडा डालकर जो मैंने भिगो कर रखा था ना उसी पानी के साथ में मैंने जो है इसे बॉईल कर लिया था। और अब जो है वो जो चने हमारे गल चुके थे तो उसमें जो पानी था ना तो मैंने उसे फेंका नहीं, वो हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो एक प्याला पानी निकला था इसका बॉईल करने के बाद जिसमें चाय पत्ती का जो रंग अर्क जो है उतर चुका था वो मैंने इस्तेमाल कर लिया इसमें। इसमें कोई कड़वापन नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता चाय पत्ती का, लेकिन जो रंग है ना बहुत ही परफेक्ट तरीके से आता है। तो आप देख सकते हो कि जैसे पिंडी छोले ब्लैकिश होते हैं ना, तो इसी तरीके से मेरे भी पिंडी छोले जो है ब्लैकिश रंग से बन चुके हैं। तो इसमें जो है मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया, फिर इसे जैसे आपको ग्रेवी चाहिए आप इस तरीके से रख सकते हो। आपको ज़्यादा ड्राई ग्रेवी चाहिए या फिर मीडियम, तब आप अपने हिसाब से इसकी ग्रेवी रख सकते हो। तो इसे जो है मैं पकने के लिए 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ दिए थे मीडियम टू हाई फ्लेम पर, एकदम भी हाई फ्लेम पर नहीं। तो मेरे छोले जो है रेडी है। तो इस पे जो है अभी हम फ्राई किए हुए आलू ऐड करेंगे। ये आलू के स्लाइसेस है ना अपने बहुत ही थिन भी नहीं रखनी और बहुत ही मोटी वाली भी नहीं रखनी, क्योंकि जब फ्राई करेंगे ना तो फ्राई करते वक्त ही आलू जो है पक जाता है, अगर आप ज़्यादा मोटी स्लाइसेस रखोगे तो वो पकेगा नहीं। और अब जो ये आलू थे ना मेरे तो अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके थे, तो इसे जो है मैं अब इस पे छोलों पे ऐड कर दूँगी। और आप देख सकते हैं छोलों का जो कलर है ना बहुत ही ओरिजिनल पिंडी छोलों की तरह ही आया हुआ है, ये है ही पिंडी छोले। तो आलू जो है हम ना इस पे फ्राई करके ऐड कर देंगे, और साथ ही में जो है हम तड़का भी लगाएंगे, जिसके लिए मैंने 1 टीस्पून ऑयल लिया था पैन में, और जब ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो जाए ना तभी इसमें भुना जीरा पाउडर ऐड कर दे। ये याद रहे कि काफ़ी गर्म होने के बाद जो है ना ऑयल काफ़ी गर्म हो जाए ना तब ऐड नहीं करना, वरना जो हमारा जीरा पाउडर लाल मिर्च पाउडर है
जल जाएगा। और हाफ़ टी स्पून जो है मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया और अभी इसे हम छोलों पर डाल देंगे। और इसके बाद जो है मैं 1 टीस्पून जो है मैंने या हाफ़ टी स्पून ही ऑयल ले ले, जैसा आप ज़्यादा ऑयल नहीं पसंद करते तो अवॉइड कर दे। अगर आप ज़्यादा ऑयल नहीं पसंद करते हो ना तो आप जब लाल मिर्च का तड़का हो ना तभी इसमें उसी में ये सब ऐड कर दे। तो मैं सेपरेटली करती हूँ हमेशा, तो मैंने जब इसमें जो है जिंजर और हरी मिर्ची ऐड कर दी और जैसे ये फ्राई हो जाए ना अच्छे से तभी ये इसे छोले पे ऐड कर दे। अब हम जो है पनीर बनाएंगे, जो हमें भटूरे बनाने स्टफ़ वाले, पनीर स्टफ़ वाले, तो उसके लिए पनीर की स्टफिंग बनाएंगे। तो मैंने एक प्याली जो है ना पनीर लिया हुआ है क्रम्बल किया हुआ। अब इसमें जो है मैंने 1 मीडियम साइज़ की अनियन चॉप की हुई ऐड कर दी और थोड़ी सी, बहुत ही थोड़ी सी ना मैंने जिंजर चॉप की हुई और हरी मिर्ची है ना इनकी बींज निकाल ली थी और फिर उसे चॉप करके इसमें ऐड कर दिया और साथ ही में हरा धनिया भी ऐड कर दिया। और सॉल्ट जो है आपके टेस्ट के मुताबिक आप इसमें ऐड कर दें। और अभी जो है हम इसे अच्छे तरीके से जो है ना मिला लेंगे। और अभी जो हमारा डो था उसके जो है हम उसे थोड़ा सा गूंद लेंगे, ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुका था। और अब इसके जो है हम बॉल्स बना लेंगे भटूरी के लिए हमें बनाने हैं तो। और इसकी स्टफिंग इतनी भी नहीं करनी कि हमें जो है ना छोलों में भटूरों में सिर्फ पनीर का ही स्वाद मिले, टेस्ट मिले। इतना भी हर चीज़ को इस किसी चीज़ पे हावी नहीं करना कि सब इतना रखना है कि हर किसी का जायका अपनी अपनी जगह पे हमें बराबर से मिले। तो इसमें जो है मैंने 2.5 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें पनीर की स्टफिंग भर दी थी। और इसे जो है अब हम बेल लेंगे, इसके भटूरे बना लेंगे और फिर हम फिर बेलने के बाद जो है हम इसे फ्राई कर लेंगे। और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं ये भटूरे, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। और इस तरह से जो है ना हम अपना पहला भटूरा जो है फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते, ज़रूरी नहीं है कि इसकी शेप ओवली हो या गोली हो, जैसे आप चाहें तो वैसे इसको बेल लें और फ्राई कर लें। और हमने जो है साथ ही में जो है ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पर। और जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया तो मैंने इसकी फ्लेम जो है बढ़ा दी थी। और आप देख सकते हो माशाल्लाह जो हमारा भटूरा था ना बहुत ही फूला फूला बना था। और आप देख सकते हो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं भटूरे। और इस तरह से जो है एहतियात के साथ में जो है आप भटूरों को फ्राई कर ले। और इस तरह से जो है अब मैं बाकी के हमारे जो भटूरे हैं ना उसी तरीके से बना लूँगी जैसे पहले आपने देखा होगा स्टफ़ करते हुए। आप चाहो तो आप सिंपल वे से भी बना सकते हो बिना, अगर आपको पनीर की स्टफिंग वाले भटूरे पसंद नहीं हैं तो आप प्लेन भी भटूरे बना सकते हो, लेकिन आप इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस तरह से जो है हमारे पनीर स्टफ़ वाले भटूरे बनकर रेडी हो चुके हैं और हमारे पिंडी छोले भी रेडी हो चुके हैं। अब बहुत ही यम्मी डिलीशियस बनते हैं, सॉफ्ट से पनीर भटूरे बनते हैं, आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ।